अरे राधा ने तो मटकियां ऊपर छुपा के रखी हैं, मैं जल्दी से इसे तोड़ देता हूँ। अरे टूट गई मटकियां। बहुत टेस्टी है माखन। आज मैं माखन बनाऊंगी बहुत सारा कृष्ण के लिए। मैं जल्दी जल्दी माखन बना लेती हूँ, फिर मुझे यमुना नदी भी जाना है। नदी से पानी लाने जाना होगा। चलो, मैंने मटकिया तो यहाँ पहले से ही रख दिया है। पता नहीं कृष्ण कहाँ होगा, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। अच्छा, मैं जल्दी से माखन बना लेती हूँ, फिर कृष्ण को बुलाएंगे। माखन तो बहुत अच्छे से बन रही है, ये बहुत ही मीठा होगा। मैं इसे घर में रख दूंगी ताकि इसे कोई जूठा ना कर पाए, और फिर कृष्ण के लिए मैं इसे छुपा कर रख देती हूँ। माखन तो बहुत अच्छे से बन रही है। अच्छा, माखन तो बन गई, अब मैं इसे घर में जाकर टांग देती हूँ ताकि कोई इसे आसानी से नहीं छू पाए और वहाँ सुरक्षित भी रहेगा। मैंने अच्छे से उसे टांग दिया, अब उसे कोई नहीं उतार पाएगा इस मटकी को। अब मैं मटकियां लेकर यमुना नदी में जाऊंगी और वहां से पानी लेकर आऊंगी, जिससे मैं खाना बनाऊंगी। कृष्ण को खीर बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं आज उसके लिए खीर बनाऊंगी, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे मेरी गैया कहाँ चली गई? अभी मैं बांसुरी बजाकर सभी को पास बुलाता हूँ, सभी दौड़ी दौड़ी चली आएगी मेरे पास। अरे मेरी प्यारी गैया, तुम सब यहीं पर घास चर लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं जा रहा हूँ पेड़ पर चढ़ने और वहीं से फल तोड़ लूंगा। अरे नीलू और सोना, तुम सब यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ पेड़ पर फल तोड़ने। आज पेड़ों पर चढ़ूंगा और फल तोड़कर मजे से खाऊंगा। अरे ये तो सेब का पेड़ है, बहुत ही मीठा लग रहा है। मैं जल्दी से चला जाता हूँ और तोड़कर मजे से खाऊंगा इसी टहनिया पर बैठकर। अरे कितना सुंदर फल है, मैं जल्दी से इसे तोड़ लेता हूँ, नहीं तो कोई दूसरा तोड़ लेगा इसे। यमुना नदी तो बहुत ही ज्यादा दूर है, धीरे धीरे चली जाऊंगी। कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया है, सुबह से नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुहाना मौसम है। अरे मेरी प्यारी गैया नीलू और सोना यहाँ क्या कर रही है? लगता है घास चर रही है। नीलू सोना, तुम दोनों यहीं रहना और फिर घास खाकर घर चली जाना, मैं यमुना नदी जा रही हूँ। मैंने इतना सारा फल खा लिया, फल खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। राधा के हाथ का बना माखन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मैं जा रहा हूँ घर में देखने, कहीं वहां पर राधा माखन बनाई होगी। माखन की बहुत याद आ रही है, मैं जल्दी जल्दी घर चला जाता हूँ। अरे राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ? अरे राधा यहाँ कुटिया में भी नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा उधर देखता हूँ, कहीं वहाँ होगी। राधे, अरे राधे कहाँ चली गई? राधे, राधा तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई होगी राधे? अरे राधे कहाँ चली गई? लगता है राधा ने आज माखन नहीं बनाया है। अच्छा उस मटकिया में देखता हूँ, कहीं वहीं में राधा माखन रखे होंगे। मैं इस मटकिया में देखता हूँ, कहीं राधा इसी में माखन रखे होंगे।
अरे इस मटकिया में तो कुछ भी नहीं है, लगता है राधा ने आज माखन नहीं बनाया। अब कैसे होगा, अब मेरा पेट कैसे भरेगा माखन के बिना, अब मैं क्या करूँ। अच्छा थोड़ा ऊपर देखता हूँ, अरे राधा ने तो ऊपर छुपा कर रखे हैं। अच्छा इसे तोड़ना होगा इस मटकी को, तभी मैं माखन खा पाऊँगा। अरे मैं इसे कैसे उतारूं, ये तो बहुत ऊंचा स्थान पर रख दिया राधा ने। अच्छा कोशिश करता हूँ, थोड़ी तरकीब तो लगानी होगी इसे पाने के लिए। अच्छा मैं सोना को बुलाता हूँ, कहीं वो मेरी मदद करेगी। सोना, नीलू जल्दी इधर आओ। अरे सोना जल्दी आओ, कितना धीरे आ रही हो। अरे सोना अच्छा कि तुम आ गई, देखो ना राधा कितना ऊंचे स्थान पर मटकियाँ रख दी है, मैं इसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। चलो वहाँ तुम मेरी मदद। सोना मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर मटकियाँ उतार लूँगा। और अरे अभी भी मैं नहीं छू पा रहा हूँ, लगता है इसे डंडा से मारना पड़ेगा। अपनी बांसुरी से इसे तोड़ता हूँ। अरे मटकियाँ तो टूट गई, आखिर मैंने मटकियाँ तोड़ ही डाली। अब मैं जल्दी से सारे माखन खा जाता हूँ। बहुत ही मीठी माखन है, राधा ने तो बहुत ही मीठा माखन बनाया था, अब मेरा पेट भर गया। माखन खाकर तो आनंद ही आ गया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। मैं जा रहा हूँ झूला पर सो जाता हूँ, झूला पर बहुत ही आनंद आता है मुझे। झूला पर सोकर तो बहुत ही आनंद आ रहा है, थोड़ी देर यहीं पर मैं सो जाता हूँ। अरे नीलू सोना तुम घर चली जाओ। नदी के पास, अब जल्दी से घड़े में पानी रख लेती हूँ। कितना शीतल है यमुना का पानी, बहुत ही मीठा है, मैं जल्दी से पानी भर लेती हूँ। मैंने तो मटकिया में पानी भर लिया, अब घर जा रही हूँ। पता नहीं कृष्ण अभी तक कहाँ होगा। शाम हो रही है, जल्दी घर जाना होगा मुझे। आ गई मैं कुटिया के पास, कृष्ण अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया, थोड़ा घर में जाकर देखती हूँ। अरे ये माखन के मटकियाँ किसने तोड़े, पता नहीं कौन चोर इसे तोड़ डाला, मैंने तो इसे बहुत ऊंचे स्थान पर रखा था। मैंने कृष्ण के लिए बहुत प्रेम से माखन बनाया था और ये पता नहीं कौन तोड़ डाला। अब मैं क्या बोलूँगी कृष्ण को, वो क्या खाएगा। अब मैं कृष्ण को आवाज़ देती हूँ और उसे पूछूँगी, कृष्ण 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 कहाँ हो कृष्ण, जल्दी इधर आओ। ये तो राधे की आवाज़ लग रही है, मैं अभी आया राधे। मैं आ रहा हूँ राधे। क्या बात है राधे, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अरे मैंने जो माखन बनाया था तुम्हारे लिए, पता नहीं किसने तोड़ डाले और सारे माखन खा गए। माखन, अरे वो तो मैंने खा गए, मैं क्या बोलूँ राधे को, वो गुस्सा हो जाएंगी। पता नहीं राधे कौन चोर माखन खा गया, मैंने तो माखन नहीं खाया, अब मैं क्या खाऊंगा। राधे अगर पहले मुझे माखन खिला देती तो माखन चोरी नहीं होता। मुझे नहीं मालूम था माखन चोरी हो जाएगा, मैं यमुना से पानी लेने चली गई थी और सोचा कि वहाँ से आने के बाद तुमको माखन दूंगी। अब मैं क्या करूँ कृष्ण। अच्छा सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए खीर बना दूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना खीर।
हाँ राधे, तुम मेरे लिए खीर बना दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाने जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो वो चोर फिर से आ जाएगा। हाँ हाँ राधे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से। मैं खीर बना लेती हूँ यहाँ पर। मुझे माफ़ कर दो राधे, मैंने ही माखन खाए हैं चुरा कर। क्या करूँ, तुम्हें सताने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर भी राधा बहुत ही दुखी हो गई है, मुझे उसे कह देना चाहिए कि मैंने ही माखन खाए हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा उसे, नहीं तो मेरे लिए खीर भी नहीं बनाएगी। जब खीर बना लेगी तब मैं उसे बोलूंगा। राधे, खीर बनने में कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर में बन जाएगी, तब तक तुम वहीं बाहर बैठो कृष्ण। तब तक मैं इस चटाई पर बैठ जाता हूँ। कृष्ण कहाँ चले गए? तुम्हारे लिए मैंने खीर बना दिया, खीर बन गई। खीर तो बन गई, अब मैं जल्दी से कृष्ण को जाकर दे देती हूँ, वो खा लेगा, बहुत ही भूख लगी होगी उसे। कृष्ण, तुम्हारे लिए मैंने खीर ला दिया, अब खा लो कृष्ण। राधे, मैं जल्दी से सारा खीर खा जाता हूँ, मुझे खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और तुम्हारी हाथ की बनी खीर तो और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अरे वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है, कितना अच्छा बनाया है राधा तुमने। राधे, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी। कृष्ण, पहले मुंह साफ कर लो, खीर लग गए हैं तुम्हारे मुंह पर। ठीक है राधा, मैं जल्दी से साफ कर लेता हूँ। राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है कृष्ण, जल्दी बताओ, क्या कहना चाहते हो? वो मैंने माखन चोरी किया था जब तुम घर पर नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो राधे। माखन तुमने चोरी किया था? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने कितना सताया मुझे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कृष्ण, तुमने झूठ बोला मुझसे। अरे बचाओ मुझे राधे, मुझे मत मारो। तुमने तो बोला था तुमने माखन नहीं चुराया, और तुम्हें माखन सारे खा गए और झूठ बोल रहे थे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे मत मारो राधे। इसे आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन